हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं आई हूँ छत पे घूमने के लिए। अब मैंने कहा आप डाल दो, ये लो। सो अभी हम लोग डाल रहे हैं पानी, टंकी में पानी डाल रहे हैं। एक्चुअली नल आए हुए हैं तो पानी ना नीचे आता है और ऊपर टंकी में नहीं चढ़ पाता है। सो ये नीचे से लेके आ रहे हैं पानी, टंकी में पानी डाल रहे हैं। एक्चुअली ऊपर नहीं चढ़ता है अभी, तो खैर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होगा ना पानी, तो थोड़ा सा चढ़ रहा है। बाकी थोड़ा बहुत कम प्रेशर रहता है ना तो ऊपर टंकी में चढ़ता नहीं है पानी, क्योंकि सब लोग हैं ना तो फिर पानी भी ज़्यादा ही लगता है। सब लोग हैं का टाइम है एंड आज है गोवर्धन और एक हम लोगों की दिवाली है। इतना सारा कचरा फैलाया था, चक्री वक्री अनार वनार चला चला के, तो इतना सारा कचरा हो गया। मम्मी झाड़ू लगा के गई होंगी। गोवर्धन कल ग्रहण पड़ा था, कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। और कल हम लोगों को फिर निकलना भी है यहाँ से, कहाँ जाना है वो आप लोग अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो कल निकलेंगे हम लोग और मम्मी भी हमारे साथ जाएंगे शायद। रुद्रांश का कल वैक्सीनेशन हुआ था तो उसको ना फीवर आ रखा है, उसका जो 5 ईयर वाला वैक्सीनेशन ना वो हुआ है। सो उसको कल भी फीवर आया था, बट मेडिसिन दे दी थी, बट उसको रात में भी फीवर आया, क्योंकि जो अभी 5 ईयर वाला जो वैक्सीनेशन होता है ना उसको पैर में हुआ है, यहाँ पे यहाँ इस पे जांग में होता है। सो उसको दर्द हो रहा है रात से। कड़वी लगी कि नहीं तो? पी गई अंदर? गई अंदर? अंदर निकल गई? नहीं गई नहीं उसको अभी भी। और मैंने बोला भी था, अरे यार मैंने बोला भी था इसको स्पून में घोल के दो, उसने आज तक खाई नहीं है। तो दांत ने खा लिया फीवर की दवाई, फीवर। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। अभी ना मैं आई थी छत पे झाड़ू लेके, झाड़ू नहीं है, झाड़ू का उद्घाटन कर रहे हैं हम। इसमें ना बहुत सारे देसे निकल गए, तो मैंने सारे छत पे ना निकाल दिए हैं। इसकी देखो क्या काम चल रहा है, एकदम चल रही है आज आज। आपके अभी तक पटाखे चल रहे हैं? हाँ, दिवाली आ रही अभी है। ये मम्मी का हरा भरा गार्डन क्या क्या लगा रखा है मम्मी ने। ये तो वो लग रही है, गिलकी लगी हुई है। ये देखो अभी छोटी सी इसमें आ भी रही है। यहाँ पे देखो गिलकी का वो उधर तक गया हुआ है, गिलकी का झाड़। गुलाब टमाटर लगा दिए मम्मी ने, बस ठंडी में टमाटर आए। ये तो मम्मी ने ठंडी के लिए टमाटर कर लिए, यहाँ से वहाँ तक टमाटर के पेड़ लगा दिए। आराम से हो जाता, उनको खरीदना नहीं पड़ते। फूल टमाटर बाकी मम्मी ने पता नहीं किस किस चीज में ये लगा रखे है, ये नहीं पता। और पापा निकल गए हैं ऑफिस। मम्मी आज बना रही हैं खाने का, क्योंकि मम्मी ने दिवाली पे बनाया नहीं था, क्योंकि वो ग्रहण पड़ रहा था ना इसीलिए। सभी मम्मी बना रही हैं खाने का, चूड़ा वूड़ा वो है जो वो सब बना रही हैं। एंड उसके बाद कल हम लोग निकलेंगे, तो आज का ही दिन है हमारा यहाँ। अभी शाम को हम बाजार भी जाएंगे कुछ कुछ सामान लेने के लिए। नहीं जा रहे? तुम क्यों जाओगे? मैं भी जाऊँ अंधेरे में। हाँ लेकिन दादी क्या बना रही है किचन में, देखिए ना दादी क्या बना रही है। दादी आप क्या बना रही है? के छत पे ना ये पहला ये गेहूं दाल है, दाल चने की दाल, चने दाल को की दादी को उसका नमकीन बनाना है, तो दादी इसको पिसवाएंगी। पिसवाने के लिए कहा जाएंगे पे? हाँ? ये थोड़ा सा सूख जाएगी चक्की, मैं भी जाऊंगा। अब ये थोड़ी सूख जाएगी, फिर दादी इसको चक्की पे लेके जाएंगी, फिर इसका बेसन बनवा के लाएंगी, फिर दादी आपके लिए नमकीन बनाएंगे। चलो आज बैठे हैं। चल लंच कर लेते हैं। सो अभी आंटी और आई हुई थी, हम लोग अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट। थोड़ा पापा आए ऑफिस से, उसके बाद ही निकल रहे, क्योंकि आंटी और आ गई थी ना तो थोड़ा सा बैठ गए। अभी हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, स्वेटर वगैरह पहन लिए क्योंकि ना
ठंडी लगेगी लौटते टाइम। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखते हैं। हाँ, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखते हैं। मैं तो नहीं चलाऊंगी अभी, यही चलाएंगे, है ना? नहीं तो पता नहीं मार्केट की जगह हम लोग कहीं और पहुँचे। ओहो, कितनी सारी चींटियाँ, रेड चींटियाँ हो रखी हैं। चले चलते हैं मार्केट। रोड बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। ये देखो ट्रेन की पटरी जा रही है, उसमें खड़ी है ट्रेन, और वो निकल रहा है साइड से, साकेत एक्सप्रेस है। कैसी निकल गई? क्या है? तो रही है वो गया, वहां तक पहुंच गया धड़कते धड़कते। तीन नारियल कर देना। ये हम लोग आए हैं पानी टिक्की पीने के लिए। हम लोगों ने पानी टिक्की पी ली, संतुष्टि नहीं हुई तो हम लोगों ने दही खटाई मंगाई हुई है। पानी नहीं रहा, सूखी चाहिए, सूखी कर देना भैया, पानी नहीं डालना। दही खटाई मंगाई, दही खटाई खाते हैं, कैसी बनी हुई। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अंकल जी को मैंने अपनी वीजा संधि हुई है सही करवाने के लिए, सो वो सही हो रही है। इस तरीके से मैंने उसको धागे में बनवा दिया है। उसका ना धागा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे आए हुए हैं तो बनवा लेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम में ना मैंने गले में चैन डाल रखी है। सही लग रहा? दुकानों को भी ना ऐसे सजा के रखा हुआ है। लोगों ने घर के लिए सब्जी पैक करवा ली है, और घर से फरमाइश आई थी कि कढ़ाई पनीर खाना है, तो कढ़ाई पनीर पैक करवा लिया है इसमें। और ये ले रहे हैं पीछे से नमकीन, क्योंकि हम जब भी यहाँ आते ना यहाँ से हम लोग नमकीन ज़रूर लेके जाते हैं, बहुत सारा, कम से कम 8-10 पैकेट नमकीन का पैक करवा लिए हैं। अब चलते हैं घर। इतनी बोरी ले ली है इन्होंने, 8-10 पैकेट ले लिए हैं, और बाकी सारी शॉपिंग हो गई। अब सीधा बस हम लोग घर निकलेंगे। She's waiting for love to be